अभी भी अगर बैन कर दिया जाए भारत के भीतर ये फर्टिलाइजर बैन हो सके तो 5 साल में फिर से रिट्रीव किए जा सकती है वो धरती ज्यों की त्यों। अब कितनी चर्चा है ऑर्गेनिक की, शुद्ध अन्न की, कि भी मत डालिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मत छिड़किए। पीछे कोई हिमाचल से हमारे परिचित आए थे, वो कह रहे थे कि उसकी त्वचा क्षति पहुंचाती, त्वचा को क्षति पहुंचती है, फिर उसके रस को, उसकी गंधी खो जाती है, देखने में सुंदर लग रही है कोई चीज। उत्पादन की अधिक भूख के कारण हमने अन्न में विकार पैदा कर दिया, जल में विकार पैदा कर दिया। यदि यद्दात्त बंधनम तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम, इसका अर्थ है कि भगवान निर्बंध है, मुक्त सत्ता है, हम नेह न रखें किसी चीज में और अपनों में कर्तव्य बुद्धि रखें, राग बुद्धि नहीं। जो लोग संतान से दुखी हैं वो वही हैं जिन्होंने संतानों में राग रखा है, आसक्ति रखी है, अहंता रखी है, ममता रखी है। अगर संतति में बहुत आसक्ति है तो दुख देगी संतान आपको। संतान में कर्तव्य बुद्धि रखिए, अपने बच्चों को पालिए, वो आपकी कर्तव्य है आपका, उनसे अपेक्षा मत रखिए। अपेक्षा दुख की जननी है, उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं, उनमें उतनी आपके प्रति उतना स्नेह नहीं, वो उतने प्रतिबद्ध नहीं है, वो उतने वचनबद्ध नहीं है। अब संतान नहीं है मालूम वचनबद्ध प्रतिबद्ध, उसमें नहीं है उस प्रकार का त्याग समर्पण स्नेहन, और आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उलूखल बंधन की लीला बिल्कुल यही है। संबंधों में बंधन नहीं, बंधो मत, इनसे मत बंधिए, बंधन मत रखिए। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, हम खुद बंधने के चक्कर में हम एक दूसरे से बंध रहे हैं।